एक और भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है, और दूसरी ओर कौन है भाई, झूठ बोलने वालों की पार्टी। ये आप पार्टी इस बार एक्सपोज हो चुकी है। हम उनको हर रोज 5 सवाल पूछते हैं, जवाब ही नहीं देते। मैं कहना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से, श्रीमान केजरीवाल में अगर नैतिकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सवाल जाते हैं उसका जवाब केजरीवाल दे, और दम है तो हमें भी सवाल पूछे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मगर मुझे लगता है कि उनको कम सुनाई पड़ता है, मगर मेरी आवाज ईश्वर ने बड़ी दी है, तो मैं कुछ सवाल पूछूं केजरीवाल को, पूछूं, आप सुनेंगे ध्यान से, आप पार्टी के कैंडिडेट आए तो उनको पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, पक्का? तो मैं बात करता हूं चलिए कि आप पार्टी ने क्या किया है। मित्रों, ये जब आंदोलन चल रहा था अन्ना जी का, केजरीवाल जी इनके दाएं बाएं दिखाई पड़ते थे ना, उनको बहुत बोली से सूरत दी है भगवान ने, बहुत बोली से सूरत दी। मेरे जैसे व्यक्ति को भी लगता था कि आदमी करप्शन के लिए लड़ रहा है। वो हमेशा कहते थे कि मैं राजनीति के अंदर नहीं आऊंगा, वो आए या नहीं आए बताइए। वो कहते थे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, बनाई या नहीं बनाई? उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी मैं कांग्रेस का साथ लेकर सरकार नहीं बनाऊंगा, जैसे ही मौका मिला टप लेकर साथ लेकर कुर्सी पे बैठ गए, बैठे या नहीं बैठे? उन्होंने कहा था शपथ लेते वक्त कि हमारे विधायक और मैं मेट्रो में जाएंगे, अब दिखाई पड़ते हैं क्या? दिखाई पड़ते हैं? चुनाव के वक्त कौन सी गाड़ी में घूमते थे भैया? वैगनर में घूमते थे, अब SU4 आ गई है। 49 दिन में वैगनर से SU4 का सफर इन्होंने तय किया है। 5 साल अगर मौका मिला तो घर के सामने एरोप्लेन पार्क करेंगे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी के लिए हम कानून लेकर आएंगे। मैं पूछता हूं केजरीवाल जी, 49 दिन में कानून क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा था झुग्गी झोपड़ियों के लिए योजना लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, 49 दिनों में कोई योजना क्यों नहीं बनी? उन्होंने कहा था कि हम अगर शासन में आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट करेंगे, कहा था या नहीं कहा था? एक भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर परमानेंट नहीं। उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हर सप्ताह मुख्यमंत्री लोक संपर्क अभियान करेगा, लोक दरबार करेगा और सचिवालय में करेगा, कहा था या नहीं कहा था? एक बार करा, भागकर छत पर चढ़ गए, उसके बाद में कभी लोक दरबार नहीं किया। मित्रों, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 3 ही दिन में शीला दीक्षित पर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए करप्शन के लिए FIR बनेगी, कहा था या नहीं कहा था? बनी FIR, क्योंकि समर्थन तो शीला जी का ले लिया, FIR कैसे बनाते? FIR बनाते तो कुर्सी चली जाती है। वो कभी इस्तीफा नहीं देते मित्रों, वो कहते हैं कि मैंने कोई काम के लिए इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए कहते थे कि लोकपाल बिल के कारण मैंने इस्तीफा दिया। ये सत्य हकीकत नहीं, सत्य हकीकत नहीं। इन्होंने इस्तीफा दिया था कि देश में लोकसभा के चुनाव आते थे और वो चुनाव में त्याग की मूर्ति बनना चाहते थे और ऐसा करकर देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सब जगह पे लड़ाया नहीं लड़ाया कैंडिडेट बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ? यहां से गए काशी, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए गए, गए थे ना? मैं काशी में था, काशी में मैंने सुना था वो हर रोज भाषण करते थे, मैं जीतू हूं या हारू काशी की सेवा करूंगा, बनारस के लिए मेरा जीवन समर्पित है। भाई केजरीवाल,
हारने के बाद आप एक भी दिन बनारस गए हैं क्या? गए हैं क्या? मित्रों, झूठ के अलावे कुछ नहीं।